संत जन इस मृत्यु लोक में धुरधाम के वासी व इलाही स्वरूप होते हैं तथा रूहों के उद्धार के लिए इस मृत्यु लोक में अवतार धारण करते हैं। वो अपनी ओजस्वी वाणी तथा पावन सानिध्य के प्रताप से दुष्प्रवृत्ति के लोगों को भी धर्मनिष्ठ व भक्त बना देते हैं। उनका समस्त जीवन परमार्थ पर ही आधारित होता है। रूहानियत के इसी सफर में जिनका हर पल इंसानियत की रक्षा के लिए बीता, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को खुशियों से महकाया, जिन्होंने धर्म जात का भेदभाव मिटाकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक जगह बिठाया, वो हैं सर्वधर्म संगम के प्रतीक, डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही, सच्चे मुर्शिद शाह सतनाम जी महाराज। शाह सतनाम जी महाराज के आदरणीय पिताजी का नाम पूजनीय सरदार वरियाम सिंह सिद्धू तथा माता जी का नाम आस कौर जी था, जो कि गांव श्री जलाल आणा साहिब, तहसील डबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा में रहते थे। परमात्मा की असीम कृपा एवं शुभ आशीर्वाद से पूजनीय माता पिता को लगभग 18 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 25 जनवरी 1919 को घर के आंगन में रब्बी जोत के रूप में नूरे जलाल छा गया। पूजनीय माता जी ने बचपन में आपका नाम सरदार हरबंस सिंह रखा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं, तो इंसानियत के इस महापुरुष ने बाल्यकाल में ऐसे कई कार्य किए जो उन्हें दूसरों से अलग करते थे। जैसे कि गरीब परिवार के बेटियों की शादी में मदद करना, गांव के लोगों के लिए रोजगार का सहारा बनाना, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना व गांव के खूंखार झोटे का आप जी की बात मानते हुए चलते फिरते खेतों में चारा खाना। एक झोटा था और वो खेतों में हरा चारा खाता। वो परम पिताजी के जो खेत थे जलालणा साहब में हरियाणा में, वहीं जाके खाना खाता और कहीं खाना ना खाता। तो नौकर चाकरों ने बताया माताजी को कि भाई ऐसे ऐसे एक झोटा है, खाना खाता है वो आके। तो माताजी ने परम पिताजी को कहा कि हरबंस ऐसे ऐसे झोटा जाता है और वो खाना अपने खाता है सारा टाइम, आप निगाह रखो। कहते ठीक है जी। उस दिन 10-15 दिन गुजर गए। माताजी ने पूछा नौकरों से कि भाई अब तो वो नहीं खाता। तो नौकर हंस पड़े, कहने लगे आप हंस क्यों रहे हो? कहते जी ये आपके बेटा जो है ये जाता है और उसको हटाने की वजह ये कहते खा ले मस्ता खा ले तेरे कर्मों का है। ये हटाता नहीं है बल्कि ये तो देखता रहता है। माता जी ने बुलाया कि भाई ये क्या करते हो? कहता जी अब हटा देते हैं अगर आप कहते हो। परम पिता जी खेतों में गए तो वो झोटा वहां खाना खा ही रहा था, हरा चारा चर रहा था। उसको थापी दे के कहने लगे भक्ता घर में शिकायत हो गई यार, तू ऐसे किया कर हर जगह से हिस्से के अनुसार खा लिया कर। और गांव वाले बताते हैं उस दिन से लेके उस झोटे ने एक जगह खड़के कभी चारा नहीं खाया। इस खेत में से मुंह मारा, उस खेत में से मुंह मारा, आगे चल गया, चलते चलते ही खाता रहा जब तक वो झोटा मरा नहीं। प्रभु भक्ति में लीन परमात्मा के मिलन की चाह में परम पिताजी एक दिन अपनी माताजी के साथ बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के सत्संग में गए और साई जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर ऐसी असीम शांति का एहसास हुआ कि जैसे आप जी का लंबे समय से खोया हुआ बहुमूल्य खजाना प्राप्त हो गया हो। बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज की साधारण वेशभूषा, अलौकिक नूरानी चेहरा तथा साधारण मिलीजुली भाषा में घुली जादुई मिठास से
आप जी बहुत प्रभावित हुए और साईं मस्ताना जी महाराज को अपना सतगुरु प्रभु परमात्मा मान लिया। दिसंबर 1953 में बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज सत्संग करने के लिए गांव गदराना में पधारे हुए थे और परम पिताजी भी उसी गांव में अपने किसी रिश्तेदार के पास आए हुए थे। साईं जी सुबह के समय जब खेतों की ओर टहल रहे थे तो एक पद चिन्ह को देखकर वहां रुक गए और अपनी डंगोरी से गोल चक्कर लगाकर साथ चल रहे सेवादारों को फरमाया, देखो भाई ये रब की पेड़ है, खूब गौर से देखो, इधर से रब गया है। पर उस समय फकीर की उस रमज को कोई समझ नहीं पाया। आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जब घुक्कियां वाली आश्रम में 14 मार्च 1954 को बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने अपने पास बिठाकर बहुमूल्य नाम की दात आप जी को बख्शीश की। समय बीतता गया। एक दिन साईं जी ने अपनी मौज में आकर आप जी के पास सेवादार के हाथ संदेश भेजा कि हरबंस सिंह अपना मकान तोड़कर घर का सारा सामान डेरे में लेकर आ जाए। जैसे ही अपने सतगुरु प्यारे का फरमान प्राप्त हुआ, आप जी ने बिना देरी किए तत्काल ही अपने हाथों से अपना मकान तोड़ना शुरू कर दिया और घर का सारा सामान ट्रकों और ट्रॉलियों में भरकर डेरा सच्चा सौदा सिरसा में ले आए। अभी और भी परीक्षा बाकी थी। डेरे के प्रांगण में सामान के ढेर को देखकर साईं जी ने नए चोज दिखाते हुए आपको सारा सामान डेरे से बाहर रखने का हुक्म फरमाया और खुद रखवाली करने की बात कही। अपने गुरु के आदेश पर परम पिताजी सारी रात परिवार सहित जनवरी की ठंड में बाहर सामान की रखवाली करते रहे। सुबह मस्ताना जी महाराज ने आप जी को बुलाने के लिए कहा तो सेवादार कहने लगे कि वो तो आपके हुक्मानुसार बाहर सामान की संभाल कर रहे हैं। फिर मस्ताना जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक आप जी को अपने पास बुलाया और घर का सारा सामान आप जी के हाथों साध संगत में बंटवा दिया। दुनिया को गुरु शिष्य के रिश्ते को समझाने के लिए मस्ताना जी महाराज ने ऐसे ऐसे अनेकों खेल रचे और परम पिताजी ने अपने गुरु के आदेश पर अपना सब कुछ न्योछावर कर गुरु शिष्य के प्रेम की एक नई मिसाल कायम कर दी। 28 फरवरी सन 1960 को बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने परम पिताजी को डेरा सच्चा सौदा का उत्तराधिकारी घोषित कर स्पष्ट किया कि आज से हमने श्री जलाल आणा साहेब वाले सरदार हरबंस सिंह को सतनाम बना दिया है और दो जहां की दौलत इनकी झोली में डालकर आत्मा से परमात्मा कर दिया है। गुरगद्दी पर विराजमान होने के बाद परमपिता शाह सतनाम जी महाराज ने अपने गुरु के हुक्मानुसार हर जात धर्म मजहब से ऊपर उठकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ बिठाकर इंसानियत का सच्चा ज्ञान करवाया। परम पिताजी ने लगभग 2250 गांवों व शहरों में दिन रात सत्संग कर लोगों को झूठे रीति रिवाजों, जात पात, छुआछूत, दहेज प्रथा, भ्रांतियों और अंधविश्वास को दूर कर 12 लाख से अधिक लोगों को अंदर वाले सच्चे मालिक से मिलने का रास्ता बताया और लोगों को जागरूक कर एक महान समाज सुधारक की भूमिका निभाई। तो सत्ता का कथन है, लख 84 परमदया ए दुर्लभ जन्म पायो। दुर्लभ क्यों कहा कि जन्म दुर्लभ, विश्वास क्या कि लख 84 परम दे बाल मिला, छेती नहीं मिला, सौखा नहीं मिला,
लख चौरासी परमजन दुर्लभ जन पायो नानक नाम संभाल को शोध नेड़े आयो। जिस चौरासी चक्र तो निकल के आया है उसने फिर नेड़े आना जाता है। अगर वक्त ही ना संभाल करें तो उसे फिर जाएगा भाई जिम्मे जिम्मे साड़ी आज बढ़ती जाती है जीव जन्म मत चक्र चौरासी नहीं होता जाता है। परम पिताजी ने सत्संगों के माध्यम से लोगों का नशा व बुराइयां छुड़वाई जिसकी बदौलत आज लाखों लोग समाज में सम्मान पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। अपने सत्संगों के माध्यम से आप जी ने लोगों को रिश्तों के प्रति वफादार रहना सिखाया और सभी को निस्वार्थ प्रेम का पाठ पढ़ाया। आप जी ने लोगों के दिलों में प्यार की ऐसी अलख जगाई कि आज भी लोग सच्चे सौदे के मुरीद को प्रेमी कहकर संबोधित करते हैं। इस खुदगर्जी के दौर में सत्संगियों की दुनिया एक अलग दुनिया लगती है। वो लोग जब आते हैं इनके संपर्क में तो वो देख के हैरान हो जाते हैं। इतने सीधे साधे और इतने सच्चे लोग भी हैं इस दुनिया में। तो फिर इसका कारण जब ढूंढा जाता है तो एक ही नाम आता है, शाह सतनाम शाह मस्तान, उनका रहमो करम। आप जी ने एक आदर्श विवाह प्रणाली भी स्थापित की जिसमें प्रत्येक सत्संगी दहेज के रूप में कुछ भी मांग ना करे, परंतु माँ बाप अपनी इच्छा से अपनी लड़की को कुछ भी देना चाहें तो इसे दहेज नहीं माना जाएगा। आश्रम निर्माण की बात करें तो उत्तर प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों की साध संगत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परम पिताजी ने 1980 में शाह सतनाम जी आश्रम बरनावा जिला बागपत उत्तर प्रदेश का निर्माण करवाया। परम पिताजी ने सेवा कार्य के दौरान मिस्त्री भाइयों को दिशा निर्देश देकर आश्रम में चीनी मिट्टी की टुकड़ियों व बेकार कांच के टुकड़ों द्वारा बहुत ही कम खर्चे पर सुंदर चित्रकारी करवाकर आश्रम की सुंदरता को चार चांद लगा दिए। परम पिताजी अक्सर ही साध संगत व सेवादारों को खुशियां लुटाने के लिए कबड्डी आदि ग्रामीण खेल के प्रेम मुकाबले करवाते, छोटे बच्चों की भी कुश्तियां करवाकर संगत को खूब हंसाते। अरे आ गया के आज बंदे बदमाश बाले यार मैं भगती करी देवता को जाया तो आ कहानी बनी मैं एक चो दो आए जुगता मैं दस ना भाई कर लेंगे जुगता बड़े दसा लेके दस दे अके ए करी तू आके ये मालका मेरे बार के खूह लगी तेरे को दो बन जाने आखिर मेरी कट अक् फुट जो दो फुट जाने अपनी कि मैंने कोई कम करा मां के पुत ने अगे मालका मेरे बार के खूह जो दो फुट गए अगे मेरी कट फुट जो दो फुट गए फोन देख के मारता भरा हाफ समझ गया। परम पिताजी ने अपने जीवन काल में आध्यात्मिकता से संबंधित अनेक ग्रंथों और भजनों की रचना की। आप जी ने हिंदी व पंजाबी भाषा में सतलोक का संदेश, पारस दी वट्टी और कर अमलतर भवजल में 1600 से अधिक भजनों व कव्वालियों की रचना की। साथ ही पवित्र आध्यात्मिक ग्रंथों में बंदे से रब व सच खंड की सड़क की भी रचना की। इन पवित्र ग्रंथों की भाषा इतनी सरल है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सहजता से उक्त ग्रंथों का अध्ययन कर सकता है। परम पिताजी द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का जाप करके व सतगुरु के वचनों पर अमल कमाते हुए लोगों के कैंसर जैसे लाइलाज रोग भी ठीक हुए, मुर्दे में जान डालने वाले करिश्मे भी हुए। कोई यकीन करे या ना करे पर जिस तन लागे सो तन जाने, जिनके साथ ऐसा हुआ है उन्हें
कौन झुठला सकता है? मैं दारा खान, सन ऑफ सिटी रहमतुल्ला, राजपुरा। जब मैंने नाम लिया परमपिता शास्त्र राम सिंह जी महाराज की दया मेहर से, मेरे को उसी समय 4 दिन के बाद सरकारी नौकरी भी मिल गई। तो मेरी ड्यूटी जो लगी थी वो मकसाल पे लगी, तो मैं उसको ठीक कराने के लिए गया वर्कशॉप में, और उसके बीच में ड्रम जो है, उसके घूमने वाला ड्रम होता है, उसके बीच में तो बीच में बढ़ के उसके बीच में से कुछ खोलना था। मैं साथ में 1 लीटर डीजल भी ले गया। उसमें जब मैं गया था उत्थे अंदर नट खुलन लग गया, तो नट मेरे तो ना खुले, तो वह वैल्डिंग नाल बढ़न लग गया। तो मैं अंदर ही तेल गेरिया होया सीगा उससे, जब मिस्त्री वैल्डिंग नाल बढ़न लग गया, अंदर अग इतनी बद गई, सेक पैन लग गया, तो मेरे कपड़े के धुआं आना शुरू करया। तो मैं उस टाइम सोचा भी हूँ तो बचने का कोई हल नहीं है। तो मैं परमपिता जी ने याद किया भी हे मालिक, आप बचा सकते हैं तो बचाओ, नहीं वरना मैनू कोई बचाने वाला नहीं है। इतने उस टाइम उस पल परमपिता जी दुध वाले ड्रमां दे विच पानी लेके आए, कहिंदे भाई मेरे कोल दुध नहीं, ड्रमां दे विच पानी है, ये पाओ फटाफट। परमपिता जी ने जो ड्रमां दे विच पानी लेके आए, वो पानी जिन्ना भी पाया गया वो सारा मेरे ते गिरिया। तो मैनू पिता जी ने ऐसी आफत दे विचों बचाया कि मेरी तो सुआह भी बाहर नहीं आनी सी। लोग सोचने लगे भी अंदर तो बंदा मच गया होना, बई वो तो खत्म हो गया होना, पर जिस टाइम मैं बाहर निकलिया तो बहुत सारी पब्लिक बाहर इकट्ठी हुई हुई सी। उन्होंने सारे ने मैनू कहा भी भाई तेरा तो दोबारा जन्म होया है, पिता जी का लख लख करोड़ा करोड़ा बार धन्यवाद करदा मैं कि पिता जी ने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम अब्दुल रहमान है जी, और मैंने शहनशाह मस्ताना जी से नाम लिया था। दिल में मेरे ख्याल थी, कशिश थी बहुत ज़्यादा भाई मैं डेरे जाऊँ, और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो फिर मैं सो गया इतने अफसोस करके भाई पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं डेरे जाऊँ तो कैसे जाऊँ। फिर जी एकदम मेरे को और दर्शन हुए, दर्शन हुआ तो लंबे कद के थे, हाथ में उनके लाठी थी और बहुत बड़े बड़े केस थे, और उन्होंने एकदम मेरे को इतना प्रकाश दिखाया जी कि मेरे से वो रोशनी सहन नहीं हुई गई, और नूरू नूर चेहरा था उनका। फिर मैं सोचा जी भाई मैं अब क्या करूं, तो उन्होंने जी पैसे मेरे सिराने के नीचे पैसे रख दिए और हुक्म करया बेटा सवेरे डेरे तू आ जाना संगत के साथ में। डेरे में आया प्रेमियों के साथ में, तो आके देखा तो शास्त्र राम जी महाराज गद्दी पर बैठे थे। मैं आके देखा तो उनको मैं देखा भाई इनके सिर पर परना है लाल रंग का, और इनके केस नहीं है। तो मैं ऐसे बैठा था इतनी सोच के भाई है तो वो ही। तो फिर एकदम जी मेरे बैठे बैठे वहाँ की वहाँ ही, और शास्त्र राम जी महाराज एकदम मेरे को दिखाया जी नज़ारा के केस इनके थे जो नीचे एडियों के अड़ रहे थे, और वो का वही रूप धारिया जी और मेरे को दर्शन दिया जी। वहाँ मेरे दिल की संख्या सारी दूर होके, और मैं फिर उनको जी माथा टेकया और सलाम किया। संत मत की परंपरा के अनुसार संत सतगुरु अपना नश्वर शरीर त्यागने से पहले ही अपने उत्तराधिकारी को अपनी दया मेहर के द्वारा तैयार कर लेते हैं, तथा समय आने पर सभी को अवगत भी करा देते हैं। परंतु इस संबंध में प्रचलित सभी परंपराओं से हटकर पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने अपने भावी उत्तराधिकारी को न केवल साध संगत के समक्ष उजागर किया, अपितु समस्त कार्यभार भी सौंप दिया। बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के वचनानुसार कि हम तीसरी बॉडी में फिर आएंगे, सब कुछ पहले से ही स्पष्ट कर दिया था। परमपिता जी को भी इस बारे में पहले से ही सब ज्ञात था। 15 अगस्त 1967 को जब परम पिताजी सुबह की मजलिस के लिए तेरावास से बाहर आए, तो सेवादारों को हुक्म फरमाया कि आज स्टेज का मुंह पश्चिम की दिशा में करो, क्योंकि बेपरवाह मस्ताना जी ने जिस तीसरी बॉडी के लिए वचन किए थे, उस ताकत ने आज इस दिशा में जन्म लिया है। सेवादारों ने इन वचनों के बारे में जिज्ञासा प्रकट की और शहनशाह जी से इस रहस्य को उजागर करने की अरदास की, तो परम पिता जी ने फरमाया कि बेटा समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट करेंगे। समय बीतता गया
और एक दिन परमपिता जी ने सेवादारों को फरमाया कि गद्दी नशीनी के लिए हमने श्री गुरुसर मोडिया वाले काके यानी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का चयन किया है। तब सेवादारों की जिज्ञासा शांत हुई। शाह सतनाम जी दाता ने 23 सितंबर 1990 को रूहानियत की अनुपम दौलत अपने मीत संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की झोली में डालकर सारे जहां की झोली भरने की बख्शीश दे दी। लाखों संगत की मौजूदगी में हजूर पिताजी को गुरगद्दी पर अपने साथ बिठा परम पिताजी ने वचन किए, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। किसी ने किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है और हमारे वचनों में सभी ने फूल चढ़ाने हैं। परम पिताजी को तो कण कण की खबर थी। आज, कल और परसों ही नहीं, बरसों बरस पर उनकी नजर थी। डेरा सच्चा सौदा की तीसरी पातशाही संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान खुद परम पिताजी को खुदा का रूप कहते हैं। परम पिताजी ने हुजूर पिताजी का वो रूप बहुत पहले ही देख लिया था जिसमें उन्हें अपना स्वरूप झलकता था, वरना दो जिस्म के अंदाज ये कैसे हो सकते हैं। देखिए ये मोहिनी मुस्कान जो परम पिताजी के रूप में मौजूद है, क्या हुजूर की मुस्कान इस मुस्कान से तनिक भी जुदा है? ये इत्मीनान से चारपाई पर संत का सहज ही बैठ जाना और हुजूर पिताजी का बरसों बाद वही रूप, ये परम पिताजी के बैठने का अनोखा अंदाज और ये हुजूर पिताजी का बैठने का वही तरीका, ये परम पिताजी का ढोलक पर थाप का सुरीला स्वरूप, सरगम का सुर बिखेरते प्यारे पिताजी का मनमोहक रूप। परम पिताजी का संगत के लिए भजनों के ग्रंथ की रचना करना और इधर हुजूर का परम पिताजी के वचनानुसार कि हम ही गाएंगे, हम ही लिखेंगे और हम ही बजाएंगे को सार्थक करते हुए रूबरू नाइट प्रोग्राम के तहत सैकड़ों भजनों को लिखना, गाना व उनका म्यूजिक कंपोज करना। हाथ में लाठी थामे परम पिताजी की ये मनमोहनी छवि और ये है अंदाज हुजूर पिताजी का, कहीं कोई रत्ती भर भी फर्क है क्या? नजर डालिए तकरीबन 40 साल पुराने इस नजारे पर, परम पिताजी का टक लगाते हुए ये रूप और ये महज कुछ साल पहले हुजूर पिताजी का टक लगाते हुए वही अनुपम अंदाज। परम पिताजी ने सेवादारों को समझाया कैसे बनेगी डेरा की दरो दीवार, और हुजूर पिताजी डेरा के नक्शों की लकीरें खींचते हुए परम पिताजी का एक अलग अंदाज में सिर पर लाल परने का बांधना और हुजूर पिताजी के माथे पर सजा ये लाल परना, वही अंदाज कुछ तो कहता है। सच यही कहता है कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। गरीबों के दर्द को बड़ी ही शिद्दत से परमपिता का सुनना और गरीबों की पीड़ा को हुजूर पिताजी का। सत्संग में पावन वचनों की वर्षा, वचन वही, अंदाज वही, ये परम पिताजी का बच्चों को अपने प्यार से नवाजना व उन्हें प्रेम की निशानियां देना और इधर हुजूर का बच्चों को अपना पावन प्यार लुटाकर प्रेम निशानियां देना, सब कुछ तो वही है। मनुष्य के साथ साथ पशुओं से प्यार उनको भी था और पशुओं को इनका भी भरपूर दुलार मिलता है।
ये चाय की चुस्की का अंदाज भी हूबहू वैसा ही है जैसा परम पिताजी का था। सच लगता है ना कि न कुछ बदला है न बदलेगा। और ये देखिए, संगत को सत्संग की सौगात देने के बाद विदा लेने का ये रूहानी नजारा। नजरें हो तो देख लो, आज भी वही नजारा बरकरार है और बरसों बाद एक ही रूप, एक ही स्वरूप, एक ही अंदाज। इसे क्या कहेंगे आप? दया, रहमत, आशीर्वाद, खुद खुदा का दीदार। और जब सोने मुखड़े पर चश्मा लगा हो तो फिर कहना ही क्या। जैसे परम पिताजी बैठते थे, चलते थे, घूमते थे और संगत को आशीर्वाद दाद देते थे, हुजूर पिताजी का अंदाज भी जस का तस वही है। परम पिताजी का ग्रामीण खेलों को खिलाना, और हुजूर का भी ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना, और नए नए खेल जैसे रूमाल छू, गुल स्टिक आदि को ईजाद करना, दोनों में एक जैसी समानता, कुछ तो बात है। ये बारीकी से परम पिताजी का चीजों का निरीक्षण करना और हुजूर का भी वैसे ही देखना, कुछ भी तो फर्क नहीं। ये परम पिताजी का बाग में कीनू के फल को अपने कर कमलों से तोड़ना और हुजूर का भी वही अंदाज, सब कुछ वही तो है। ये परम पिताजी का सेवा कार्य के दौरान संगत को दिशा निर्देश देना और हुजूर का भी उसी अंदाज में समझाना, वही प्यार का एहसास, रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं। ये सर्दियों की ठंड में परम पिताजी का लंबा कोट पहनकर मजलिस में आना और हुजूर का अपने प्रीतम प्यारे रहबर के उसी कोट को पहनकर मजलिस में आना, एक ही नाप, कोई फर्क नहीं। भला अब भी कोई कमी है क्या? इतना ही नहीं, एक झलक ये भी तो देखिए, तेरावास के बाहर बैठी संगत तड़प दीदार की, मुर्शिद के नजरे इनायत की, दर्श की, उसकी झलक की। और मुर्शिद ऐसी तड़प में जब खुद खिड़की खोल खुशियां लुटाने आ जाए तो फिर कहना ही क्या। मालिक लिया रहे, दर्शन मिले करा रहे, करते कम कार भी करते रहो, है परमार का भी नमूना नाल चलाई जाओ। है समय बीता, गुरु गद्दी पर हुजूर पिताजी विराजमान हुए, संगत की तड़प पहले से ज्यादा बढ़ी, रूहानियत की प्यास और बढ़ गई, मतवालों की भीड़ और बढ़ गई, दर्शन को आंखें और ज्यादा तरसने लगी, मुर्शिद दीदार को हुजूम और उमड़ने लगा। वही नजारा एक बार फिर सामने था, वही तेरा वास, वही खिड़की, वही रूप एक बार फिर संगत को निहाल कर रहा था, खुशियां लुटा रहा था, नजरों से रहमत बरसा रहा था। तर गई आंखें, बुझ गई प्यास, फिर वही खूबसूरत अंदाज एक नए रूप में एक बार फिर सामने था। सच वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। संतों को आने वाले समय के बारे में सब कुछ पहले से ही ज्ञात होता है। पूज्य संत शाह मस्ताना जी महाराज ने अनेकों वचन संगत को फरमाए, जब वो तीसरी बॉडी आएगी लाखों गुणा संगत होगी।
संगत इतनी होगी कि दर्शन होने मुश्किल हो जाएंगे और वे हाथी पर चढ़कर दर्शन देंगे। शाही लंगर चलेगा और जितना अब दाला बनता है उतना तो दाले में नमक डाला करेगा। दिन रात लंगर चलेगा, लाखों करोड़ों लोग एक साथ बैठकर लंगर खाया करेंगे। शाह मस्ताना जी महाराज ने ऊंचे ऊंचे टीलों की ओर इशारा करते हुए फिर फरमाया कि यहां संगत इतनी आएगी कि संभाले नहीं संभलेगी, उठने बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। संगत इतनी होगी कि थाली फेंकेंगे तो नीचे नहीं गिरेगी और संगत के सिरों पर ही रह जाएगी। कई कई घंटे तक ट्रैफिक जाम हो जाया करेगा और दुनिया के कोने कोने में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा गूंजेगा और वह ताकत दूर दूर तक जाकर लोगों को मालिक का नाम जपाएगी। पूज्य सतगुरु शाह मस्ताना जी महाराज व परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज द्वारा प्रवाहित ये पावन धारा एक विशुद्ध आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है, जिसमें आज संसार के कोने कोने से आकर लोग होते लगा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के रूप में एक महान सर्वधर्म संगम संस्था स्थापित कर पूज्य सतगुरु जी ने रूहों को मालिक से मिलवाने का बीड़ा उठाया तथा इंसानियत का संदेश जन जन तक पहुंचाया। आज भी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के रूप में परम संत शाह मस्ताना जी महाराज व परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज खुद कार्य कर रहे हैं। शास्तनाम जी कहें, शाह मस्तान जी कहें, क्या कहें, क्योंकि उन्होंने तो वचन ही कर दिए, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। जिसने इस लाइन को पकड़ लिया, मन या मनमते तो क्या, काल भी बाढ़ बांका नहीं करता, बस वचनों पे रहो। डेरा सच्चा सौदा के इन मालिक स्वरूप गुरुओं को हमारा कोटि कोटि नमन है। उन्हीं की पाक पवित्र शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए आज विश्व के कोने कोने में करोड़ों की तादाद में साध संगत इंसानियत के पाक पवित्र जज्बे को मानवता भलाई के अनेकों कार्य करके बुलंद कर रही है।
हर दिल ये गाए तो जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आप सबको भी मालिक बहुत खुशियां बख्शे। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत सतगुर अल्लाह राम के प्रति बुलंदियों को छुए। आप अच्छे नेक कर्म करके, भले कर्म करके अपने माँ बाप ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी इंसानियत का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद करें, ये मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।